हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय ऑल द वीडियो। तो अभी का जो आज का जो वीडियो है वो है मेरी स्किन, मतलब स्किन पे मैं क्या क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जिससे मेरे पिंपल्स, जैसे कि मैंने बताया मैंने पहले वीडियोज़ में कि मेरे को बहुत पिम्पल्स थे, तो उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ मैं वो बताने वाली हूँ। और ये प्रोडक्ट तुम लोग मत लेना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़ अगर तुम लोग को मतलब फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो तुम ले सकते हो और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो तुम नहीं ले सकते बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसर्न किए हुए। मैं जैसे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे जो बताया मैं वो यूज़ करती हूँ। तुम लोग के घर के इधर जो भी हैं डॉक्टर, आप लोग उसके पास जाओ और फिर उनसे बात करो, वो जो बताएंगे वो यूज़ करो। बट ऐसे एक दो प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे वैसे देखा जाओ तो तीन ही प्रोडक्ट बताने वाली हूँ मैं। मतलब उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है जो तुम लोग मतलब बिना डॉक्टर के पूछे नहीं यूज़ कर सकते, बट मैं बता रही हूँ वो एक्ने, क्योंकि मेरा बहुत ही बड़ा मतलब सीन रहा है एक्ने को लेके। तो इसलिए मैं पहले जो बताने वाली हूँ जो मैं हमेशा यूज़ कर सकती हूँ वो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, ये आहा ग्लो का प्रोडक्ट है। ये देखो इसको सही कैसे दिखेगा यार, ये आहा ग्लो बोल के एक ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट है ये एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइजिंग जेल है। अगर जैसे ब्रेकआउट्स हो जाते कभी कभी पर एक्ने नहीं हो रहा है, मतलब एक्ने होने वाला है, तो फिर हम लोग जैसे अभी हम लोग को कभी कभी ऐसे दर्द हो रहा है, समझो एक्ने होने वाला है, हमको पता चल जाता है, तो ये मॉइस्चराइज़र है उसके लिए। ये जेल मतलब एक बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती। ब्रेकआउट्स के लिए, कंट्रोल एक्ने ब्रेकआउट्स। तो मुझे ये डॉक्टर ने बताया जब भी तुमको ऐसे लगता है कि हाँ अभी मुझे पिंपल यहाँ पे आने वाला है, तभी के रात में तुम ये लगा के यूज़ करते हो। और इसका एक ना फेस वॉश भी आता है, इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, मैं वो दोनों यूज़ करती हूँ, इसका ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ और इसका ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। और मैं ये अभी पूरी लाइफ यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मतलब एक्ने आते रहते, तो इसीलिए तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो अगर तुमको चाहिए तो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो दूसरा प्रोडक्ट है, अगर मुझे एक्ने आ गया है, मतलब जैसे एक दो एक्ने नहीं आता, अभी मेरी पूरी ट्रीटमेंट हो गई, अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पर एक भी एक्ने नहीं है। जैसे यहाँ पर थोड़ा है देखो, एक तो यहाँ पर मैं अभी ये लगाती हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी नहीं है मुझे। तो फिर भी मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ अपने पास, क्योंकि कभी ना मैं मतलब मेकअप बहुत करती हूँ, तुम लोगों को पता ही होगा जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली मुझे कितना पसंद है मेकअप, तो उस हिसाब से मैं ये प्रोडक्ट्स हमेशा रखती हूँ अपने पास। और ये जो है ये फैमसिनॉल ए जेल है, ये भी एक जेल है, जेल की कंसिस्टेंस ये जो है ये भी एक जेल है, देखो ये बहुत छोटा मिलता है, ये भी एक जेल है, फैमसिनॉल ए जेल बोलते हैं। ये कैसा है, अगर तुमको एक यहाँ पे पिंपल आ गया तो वो सिर्फ वो पिंपल के एरिया पे थोड़ा सा ऐसे डिप करके ऐसे लगा देना है, बस रात भर में लगा देना, सुबह उठोगे वो पिंपल तुम्हारा चले जाएगा, ऐसे है। तो मैं ये भी मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और दूसरा ये जो है ये वाला, तुम लोग ये दोनों प्रोडक्ट तुम खरीद सकते हो, ये तुम मतलब ले सकते हो, इससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये मैं एकदम एश्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन ये कैजी ग्लो बोल के एक ये है, ये तुम लोग जब तक डॉक्टर ना बोले तुम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते। मैं भी तो ये कैसे स्किन लाइटनिंग क्रीम है ये, मतलब मुझे कैसा था जब मुझे पिंपल्स आए, तो अभी पिंपल्स तो चले गए थे जब ये सब मैंने प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ किए, मुझे जो भी डॉक्टर ने बोला मैंने किया, वो तीन महीने का पूरा प्रोसीजर था, तो उससे मेरे पिंपल्स चले गए थे। लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा निशान रह गया था, तो मतलब टैंग्स ही हो जाती ना स्किन एकदम, यहाँ पे काला काला, यहाँ पे बहुत सारे पिंपल्स थे, यहाँ पे काला काला, अभी तुम लोग देख रहे हो अभी बिल्कुल भी काला काला नहीं है। तो ये मुझे स्किन लाइटनिंग क्रीम दी थी डॉक्टर ने, जिससे मेरी स्किन लाइट हो जाए, जहाँ पे जैसे डार्क स्पॉट्स आ गए थे उसके लिए। तो ये हर स्किन को मतलब अलग अलग मिलेगा, तो वो जो डॉक्टर बोलेंगे वही। तो ये तीनों प्रोडक्ट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने एकदम बोला कि तुम मेकअप वगैरह लगाती हो तो तुमको ये तीनों प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब से मैं डॉक्टर के पास जाके आई, तो मैं तो यही सोच रही हूँ हर लड़की को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको अपने हिसाब से तुम्हारा जो स्किन टाइप है, मुझे पहले लगता था कि मेरी स्किन ड्राई है, बट जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मेरी स्किन ड्राई नहीं, मेरी स्किन ऑयली है। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने मुझे सारे प्रोडक्ट दिए। अभी मैं पूरा डॉक्टर का ही जो भी प्रोडक्ट है जो वो बोलते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ, मैं कुछ भी फालतू चीज़ें सच बोलूँ तो मैं नहीं करती। और वो जो हल्दी वगैरह का, ये सब तुम लोग कितना भी यूट्यूब पे देख के कर लोगे ना, ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हारे जो तुम्हारा स्किन है उसको मतलब क्या करेंगी ना, एक टाइम के लिए इंस्टेंट ग्लो देंगी और वो इंस्टेंटली चला भी जाएगा। जैसे अब लोग बोलते हैं ना इंस्टेंट ग्लो, तो वो इंस्टेंटली चला भी जाएगा, वो रहने नहीं वाला है। वो सारी चीज़ें तो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन उससे एक्ने वगैरह कोई भी चीज़ से नहीं जाएगा। मैंने अभी अपने कभी भी वीडियो में नहीं बोला इससे तुम गोरे हो जाओगे या फिर एक्ने चले जाएगा। एक्ने अगर तुमको ज़्यादा है तो तुमको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइज़।